हम पढ़ रहे कक्षा 10वीं में हिंदी क्षितिज काव्य खंड में कन्यादान। आज हम पढ़ेंगे कन्यादान के प्रश्नों उत्तर को। पिछली कक्षा में हमने देखा था कन्यादान के संदर्भ, प्रसंग और उसके पदों की व्याख्या देखी थी और कुछ अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न उत्तरों को देखा था। आज देखेंगे हम इसके बाकी के प्रश्न उत्तर। तो कुछ विकल्पी प्रश्न है। तो सबसे पहला है कि कविता में शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखने को क्या कहा गया है। पहला है काल्पनिक शब्द, शाब्दिक सौंदर्य, वास्तविक भ्रम या शाब्दिक भ्रम। तो उत्तर है शाब्दिक भ्रम कि कविता में शब्दों के द्वारा किसी अवास्तविक वस्तु को वास्तविक सा दिखने को शाब्दिक भ्रम कहा गया है। प्रश्न दूसरा है कि लड़कियां स्वभाव से होती हैं सरल। उत्तर है सरल, लड़कियां स्वभाव से सरल होती हैं। फिर है प्रश्न कि हर कन्या विवाह से पूर्व वैवाहिक जीवन के बारे में कैसी कल्पनाएं करती है। तो अक्सर क्या होता है हमेशा कि जो कन्या है विवाह के पूर्व अपने वैवाहिक जीवन को लेकर रंगीन सपने बुनने लगती है और रंगीन कल्पनाएं करने लगती है। प्रश्न है कि तुक और लय कविता में किसका संचार करते हैं। आंसर है आनंद का। तो तुक और लय कविता में आनंद का संचार करते हैं। अब है प्रश्न की लड़की की माँ को लड़की के किन दुखों की चिंता थी। तो कौन से दुखों की चिंता थी लड़की के संभावित की। कुछ ऐसे लड़की की माँ को लड़की के कुछ संभावित दुखों की चिंता थी। फिर प्रश्न छठवा कि कवि ने लड़की को किन सुखों में जीता हुआ दर्शाया है। तो कवि ने लड़की को काल्पनिक सुखों में जीता हुआ दर्शाने की जो लड़की है वह अपने विवाह के रंगीन सपने सजाई है और उन्हीं अच्छी कल्पनाओं में वह क्या कर रही है अपने जीवन को जी रही है। फिर प्रश्न की लड़की की माँ दुखी थी क्योंकि उसकी कन्या ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। उसकी लड़की ही उसकी एकमात्र पूंजी थी। अब है प्रश्न की आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना है पर लड़की जैसे मत दिखना। आइए हम इसका उत्तर देखते हैं कि इस कविता में लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना में माँ अपनी बेटी को यह समझाना चाहती है कि विनम्रता, सहनशीलता, शिष्टता और लज्जा ये स्त्री सुलभ गुण जरूर है लेकिन इन्हें कभी अपनी कमजोरी मत बनने देना। माँ अपनी बेटी को अबला और कमजोर की जगह सशक्त और मजबूत बनाना चाहती है ताकि वह अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहे और हर विपरीत परिस्थिति का दृढ़ता से सामना कर सके। क्योंकि यह जो समाज है यह महिलाओं को दुर्बल मानकर अक्सर उसका शोषण करने लगता है, इसलिए माँ उसे सजग और सबल रहने की सलाह देती है। फिर प्रश्न कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस दशा की ओर संकेत किया गया है। उत्तर है कि कवि ने अपनी इन पंक्तियों में समाज में व्याप्त जो कुप्रथाएं हैं, महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा, अत्याचार और शोषण की ओर इशारा किया है। यह समाज में व्याप्त क्या है कुप्रथा।
साथ क्या होते हैं, घरेलू हिंसा होती है, उन पर अत्याचार किए जाते हैं और उनको शोषित किया जाता है, तो अत्याचार शोषण की ओर इशारा किया है। आज भी हमारे भारतीय समाज में दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा के कारण बहुओं को बड़ी आसानी से आग के हवाले कर दिया जाता है, उनको जला दिया जाता है। दहेज न लाने पर बहुओं को तरह तरह की परेशानियां और यातनाएं दी जाती हैं, उन पर कई तरह के अत्याचार किए जाते हैं, उनके साथ मारा पीटी की जाती है और मारने पीटने के अलावा कई लोग दहेज के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि बहुओं को आग के हवाले करने लगी नहीं ही चाहते। कभी समाज में नारी की इसी दुखदाई और सोचनीय स्थिति के बारे में लोगों का ध्यान अपनी कविता के माध्यम से आकर्षित करना चाहते हैं। फिर इसी का खा कि माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा, उत्तर है कन्यादान कविता में माँ अपने जीवन के कड़वे अनुभवों और संघर्षों के आधार पर बेटी को सचेत करती है। माँ अपने जीवन में कटु अनुभवों व पीड़ा को सहन कर एक परिपक्व महिला बन चुकी है, इसलिए वह जानती है कि उसकी बेटी अभी इतनी सयानी तो नहीं हुई कि वह दुनियादारी को समझ सके, क्योंकि वह अभी बहुत बोली है, नादान है, ना समझ है, इसलिए लोगों के छल कपट प्रपंच और दुष्टता को वह समझने में अभी असमर्थ है। और माँ यह भी जानती है कि बेटी अभी तक अपने जीवन में सिर्फ सुखी सुख देखा है, विवाह के पश्चात महिलाओं के जीवन में आने वाली जिम्मेदारियां, संघर्षों व विकट परिस्थितियों से वह बिल्कुल अनजान है, उसे ससुराल में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसलिए माँ ने बेटी को सचेत करना जरूरी समझा। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आई है उसे शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर है कि उपर्युक्त काव्य पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि उभरी है वह इस प्रकार है कि लड़की अभी कमसिन है, छोटी है, नादान है, भोली भाली है, उसने अपने माता पिता के घर में सिर्फ सुख सुख ही देखे हैं और ससुराल व वैवाहिक जीवन जीने के लिए अभी वह परिपक्व नहीं। शादी के बाद महिलाओं का जीवन कितना बदल जाता है और उसके बारे में उसे कोई जानकारी नहीं है, उसे लगता है कि विवाह के बाद उसका जीवन मायके की तरह सुख व आसान या और आराम से कटेगा, इसलिए वह भविष्य की सुखद कल्पनाओं में खोगी। उसे अभी सिक्के का एक ही पहलू दिखाई दे रहा है कि जो सुख और खुशियों से भरा है, वह सिक्के के दूसरे पहलू से बिल्कुल भी अनजान है, जिसमें अनेक कठिनाइयां, विकट परिस्थितियां और संघर्ष आदि शामिल है। फिर प्रश्न कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी, इसका उत्तर है कि माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी इसलिए लग रही है क्योंकि माँ और बेटी का रिश्ता दिल की गहराइयों से जुड़ा हुआ है। बेटी की माँ के सबसे निकट होती है और उसके हर सुख दुख के साथी भी वही होती है। माँ नारी जीवन से जुड़ी सभी समस्याओं को अपनी पुत्री अपनी बेटी के साथ बांटती है और बेटी उन समस्याओं को हल करने में भी माँ मदद करती है। शादी होने से पहले भी माँ अपनी माँ और बहन की सबसे अच्छी दोस्त थी, तब माँ अपने जीवन की सारी समस्याओं को उनके साथ सुलझा लेती, परंतु अब ससुराल में बेटी ही उसकी एकमात्र सखी है और विवाह के पश्चात वह भी ससुराल चली जाएगी, इसलिए बेटी का ससुराल जाना माँ को
ने बेटी को क्या क्या सीख दी? उत्तर है कि कन्यादान कविता की माँ परंपरागत माँ से बिल्कुल अलग है। जहाँ परंपरागत माँ अपनी बेटी को ससुराल में सभी बड़ों की आज्ञा का पालन करने का, उनका सम्मान करने, आदर्शों और मर्यादाओं का पालन करने और ससुराल के पक्ष के लोगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की सलाह देती है, वहीं पर कन्यादान कविता में माँ अपनी बेटी को बंधनों के प्रति सजग रहकर उनका प्रतिकार करने की सलाह देती है। माँ कहती है कि बहुओं को ससुराल में सुंदरता, कोमलता, लज्जा, मर्यादा, वस्त्र, आभूषण आदि बंधनों में बांध दिया जाता है, लेकिन बेटा तुम्हें इन सब के मोह जाल में नहीं बंधना है और वस्त्र, आभूषण, लज्जा, मर्यादा इन सब बंधनों से मुक्त होकर अपने अस्तित्व की रक्षा करनी है। वह अपनी बेटी को अत्याचार और अन्याय के खिलाफ जोरदार आवाज उठाने की सलाह देती है। फिर है अब आपकी दृष्टि में कन्यादान के साथ साथ दान के बाद कहाँ तक उचित है? आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात करना कहाँ तक उचित है? इसका उत्तर देखेंगे कि हमारा समाज प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान समाज रहा है। कैसा समाज रहा है? पुरुष प्रधान समाज रहा है, जहाँ बेटों को घर का वारिस और बेटियों को पराया धन माना जाता है। इसीलिए विवाह के वक्त माता पिता उनका दान या कन्यादान किया जाता है, जो पूरी तरह से गलत परंपरा है। कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि तो दान अक्सर मेहनत से कमाए हुए तो धन या वस्तु का किया जाता है, जो अक्सर निर्जीव होता है। घर की बेटियां तो जीती जागती इंसान है, वह घर के बेटे और पुरुष सदस्यों के जैसे ही घर की एक सदस्य, उनका अपना एक स्वतंत्र व्यक्तित्व होता है, एक सोचने समझने वाला दिमाग, एक भावुक दिल, जहां हजारों सपने पलते हैं। आज समय बदल गया है, आज बेटियां पढ़ी लिखी, समर्थ और आत्मनिर्भर है, उनके अपने सपने हैं। आज मां दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने की सामर्थ और ताकत रखती है, तो फिर उनका दान कैसे किया जा सकता है? इसलिए कन्या के साथ दान करने की बात करना बिल्कुल भी अनुचित है, बिल्कुल भी उचित नहीं।